तो एक बार फिर आपका मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे स्टफ्ड कैप्सिकम, इसको भरवा शिमला मिर्ची भी बोलते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और YouTube में ये बजाना ना भूलें। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमको 4 या 5 ऐसे मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च, करीब 8 या 10 मीडियम साइज़ के छोटे आलू, ये मैंने उबाल के यहाँ पर रख लिए हैं, करीब 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और इनको जब आप काटें तो इनको छोटा छोटा कुतुर 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 काट के रखें तो ये अच्छा बनेगा। इसके अलावा मैंने करीब 2 हरी मिर्च ली हुई है, इसको भी आप छोटा छोटा कुतुर 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 काटेंगे। इसमें मैंने ये थोड़ा अमचूर पाउडर लिया हुआ है, ये हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और ये कटोरी में मैंने थोड़ी सी मूँगफली रखी हुई है। आप मूंगफली की जगह पे हरी मटर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली उपयोग करने से ये थोड़ा कुरकुरा बनेगा और खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब के अलावा आपको और जो चाहिए होगा, वो जो हम हमेशा डालने में भूल जाते हैं, नमक स्वादानुसार। अब हम लोग ये जो शिमला मिर्च है इसको हम लोग स्टफिंग के लिए रेडी करेंगे। उसके लिए इसको आप यहाँ पर ऐसे काट लें थोड़ा सा, और इसके अंदर जो भी इसके बीज वगैरह हैं इसको पूरा खाली कर लें। ये अंदर से जितना खाली हो जाए उतना अच्छा रहेगा। इसको इस तरीके से खाली कर दें, इसके अंदर देखिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी शिमला मिर्ची को खाली करके रखा हुआ है। अब हम इसमें शिमला मिर्च में भरने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने पैन में ये थोड़ा सा तेल डाला, और इसके बाद में हम इसमें जो हमने प्याज काटे थे छोटे छोटे उसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको ऐसे घचर 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 चला देंगे थोड़ी देर। अब ये जो ऑनियंस हैं ये थोड़े ग्लॉसी और थोड़े से ये फ्राई हो गए, थोड़े से गोल्डन ब्राउन दिखने लगे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये आलू जो हमने उबाले थे इसको हम ऐसे क्रश करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें आप ये थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दें, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दें, थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर है ये डाल दें, और ये थोड़ा सा सूखा धनिया, हरा धनिया इसमें डाल दें। अब ये सबको आप ऐसे अच्छे से घचर घचर मिला लें, और जो आपके पास जो मूंगफली बची हुई है अब उसको इसमें डाल देंगे, और फिर इसको हम एक अलग से बर्तन में निकाल देंगे। अब हमने सब काम कर लिया, इसमें हमेशा की तरह भूल गए क्या, नमक डालना भूल गए, तो इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डाल लें। अभी आपकी स्टफिंग ये रेडी हो गई है। आप इसमें चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक या हल्दी, सूखा धनिया, और भी कोई मसाले आपके पास उपलब्ध हैं तो उसको भी मिला सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने अभी इसको ऐसे बनाया है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल के शिमला मिर्च में स्टफ करेंगे। अभी देखिए, अब ये स्टफिंग जो हमने बनाई थी अभी थोड़ी ठंडी हो गई है, और ये अब हम इसको शिमला मिर्च में ऐसे भर देंगे। इसको अच्छे से भरें अंदर तक के, ऐसे हम सारी शिमला मिर्ची को इससे इस तरीके से भर देंगे। अब ये एक छोटे से फ्राई पैन में ऐसे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के, और जो हमने अभी शिमला मिर्च में स्टफिंग की थी उसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसको आप इसके ऊपर ऐसे शैलो फ्राई करने के लिए रख दें। इसको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे घुमाते रहें। ये देखिए, यहाँ से ये थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो गया है, और इसको थोड़ी देर ऐसे जब इसको घुमा लें तो ढक्कन से ढक के भी रख दें इसको ऐसे।
ये देखिए इसको मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे घुमा देता हूँ तो आप देखेंगे ये थोड़ी सी ऐसे शैलो फ्राई होती जा रही है। इसको धीमी आंच में ऐसे चलने दें ये कार्यक्रम थोड़ी देर तक। अब ये हमारी स्टफ्ड कैप्सिकम यानी भरवा शिमला मिर्च तैयार हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा नमक और अमचूर पाउडर को मिला के रखा है तो मैं इसको इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा बुरक के और फिर इसको मैं खा सकता हूँ। अदरवाइज़ इसको एक और तरीके से भी खाया जा सकता है, इसको आप करी में डाल के भी खा सकते हैं। जो ग्रेवी इसके लिए बनेगी उसके लिए आप मेरे एगलेस एग करी वाला वीडियो देखें, उसमें जो मैंने ग्रेवी बनाई है एगलेस एग करी के लिए, सेम ग्रेवी में आप ये शिमला मिर्च को डाल के भी खा सकते हैं। इसको आप पूड़ी पराठा दाल चावल के साथ में खाइए, ये बड़ी अच्छी लगती है खाने में। बनाइए और ट्राई कीजिए। धन्यवाद।